ताहिर अंसारी जी को, ताहिर अंसारी अंकल को ये लोग मंदिर में ले गए हैं, ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए कि भगवान बंशीधर का अगर हम लोगों ने वस्त्र भी बनवाया है तो इतिहास गवाह है, और 100 साल पहले भी और 100 साल से पहले भी भगवान बंशीधर का वस्त्र मुसलमानों ताहिर अंसारी जिंदाबाद 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 ताहिर अंसारी जिंदाबाद 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 सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको परिवर्तन और विकास चाहिए और सकारात्मकता की ओर बढ़ना है तो इसमें इस बार नेता में भी परिवर्तन और विकास होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हमारे पिताजी अनंत प्रताप देव ने किसी भी प्रकार की समस्या हो या किसी भी नगरगढ़ परिवार, हम लोग पुराने से इतिहास राजनीति का हम लोग का चलता आ रहा है, और हम लोग कभी राजनीतिक मुद्दा को हम लोग कभी धार्मिक मुद्दा नहीं बनाए हैं कभी। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड इकाई कार्यकारिणी की बैठक बुधवार को धुरकी प्रखंड मुख्यालय स्थित गुलशन चौक के नजरू चौपाल में की गई। इस बैठक में जेएमएम नेता स पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव के पुत्र मानवेंद्र प्रताप देव मुख्य रूप से शामिल थे। मानवेंद्र प्रताप देव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के बूथ, ग्राम पंचायत व प्रखंड कमेटी के कार्यकर्ताओं से कहा कि एक एक बूथ पर आगामी विधानसभा चुनाव में वोट के अंतर को बढ़ोतरी नहीं बल्कि अधिक संख्या से लीड करना है। वहीं चुनाव से पहले एक एक बूथ के कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से कमर कसकर इस बार तैयार रहना है। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक एक कार्यकर्ता अभी से ही अपने अपने कार्य व दायित्वों का निर्वहन करने में दिन रात जुट जाएं। मानवेंद्र प्रताप देव ने कहा कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को 10 वर्षों से विकास कार्यों से दरकिनार किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव व नगर उटारी गढ़ कभी भी इस क्षेत्र के लोगों से धर्म जाति के नाम पर भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत की राजनीति गढ़ के लोग कभी नहीं किए हैं। कहा कि उनके पिता सांप्रदायिक सामाजिक सौहार्द, एकता, भाईचारा को पसंद करते हैं। मानवेंद्र प्रताप देव ने कहा, नेता ताहिर अंसारी पर विधायक भानु प्रताप शाही ने मंदिर में जाने पर जो टिप्पणी किया है वह उचित नहीं है। नगर उटारीगढ़ के लोग सभी धर्म जाति के लोगों को एक सम्मान भाव से देखते हैं और भाईचारा कायम रखते हैं और धर्म के नाम पर नफरत को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में गढ़ के लोग धर्म की बात कतई नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र को वर्षों से एक मुस्लिम के द्वारा बनाया जा रहा है और इस क्षेत्र के विधायक धर्म संप्रदाय को भड़काने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में क्षेत्र की जनता नतीजा बदलने वाली है और पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव को फिर से विधानसभा में भेजने के लिए मन बना चुकी है। इस अवसर पर इसराइल खान, मुक्तेश्वर पांडे, छोटन सिंह, पप्पू सिंह सहित सभी जेएमएम कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रखंड मुक्ति मोर्चा का प्रखंड स्तरीय बैठक, क्या बैठक का उद्देश्य है? आज हमारे अनुमंडल के अध्यक्षता के लिए और संगठन को मजबूत करवाने के लिए हम लोगों ने ये बैठक आयोजित किया था झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। आज हम लोगों ने यही बोला कि नगरगढ़ परिवार, हम लोग पुराने से इतिहास राजनीति का हम लोग का चलता आ रहा है और हम लोग कभी राजनीतिक मुद्दा को हम लोग कभी धार्मिक मुद्दा नहीं बनाए हैं कभी भी। कभी हम लोगों ने जातिवाद नहीं किया है किसी भी प्रकार का। आदरणीय ताहिर अंकल भी हैं, हम लोगों ने कभी जाति को देख के कभी ये नहीं बोला है कि आप हमारे मंदिर में आइए या मैं किसी मस्जिद में जाता हूँ, कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया हम लोगों ने। दूसरी बात यह कि खून एक ही है यहाँ पूरा भवनाथपुर विधानसभा, क्योंकि कहते हैं हम लोगों ने जमीनें भी दान दिए हैं यहाँ पे, तो सब हमारे परिवार हैं यहाँ के लोग और यहाँ पे सब हमारे भाई हैं, या हमारे चाचा सम्मान है या हमारे पिता सम्मान भी है, तो सब लोग चाहे मुसलमान मंदिर जाए, चाहे हम लोग मस्जिद जाए, चाहे हिंदू लोग मस्जिद जाए, हम लोग के लिए सब एक सम्मान है। मैं ये बोलना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भगवान बंशीधर का जो कह रहे हैं कि ताहिर अंसारी जी को, ताहिर अंसारी अंकल को ये लोग मंदिर में ले गए हैं, ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए कि भगवान बंशीधर का अगर हम लोगों ने वस्त्र भी बनवाया है तो इतिहास गवाह है, और 100 साल पहले भी और 100 साल से पहले भी भगवान बंशीधर का वस्त्र मुसलमानों के द्वारा भी सिला गया है, तो हम लोग उनको भी आदर इज्जत सम्मान करते हैं। टेमन खलीफा जी ने भी इस चीज में योगदान दिया है और भगवान बंशीधर का वस्त्र सिला है। मैं यही आप सबको बोलना चाहूंगा कि जातिवाद की राजनीति हमें कदापि मंजूर नहीं है, नगरगढ़ परिवार को कदापि मंजूर नहीं है।
मैं यही कहना चाहता हूं सबसे कि अगर आपको परिवर्तन और विकास चाहिए और सकारात्मकता की ओर बढ़ना है तो इसमें इस बार नेता में भी परिवर्तन और विकास होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हमारे पिताजी अनंत प्रताप देव ने किसी भी प्रकार की समस्या हो या किसी भी प्रकार की पैरवी हो या किसी भी प्रकार का सुख से लेकर दुख तक सब में सम्मिलित हुए हैं, सब में समक्ष अपनी बात रखी है और हर एक व्यक्ति को अपनी बात उनकी सुनी भी है और हर एक का समस्या का समाधान भी हुआ है।